हो गया, अपने करियर के ड्रीम को पूरा करने का एक इम्पोर्टेंट स्टेप आज ले लिया। इंडिया का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप एग्जाम एनथे यानी आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जाम आ रहा है 100% स्कॉलरशिप लेकर। एनथे IITs और टॉप मेडिकल कॉलेजेस में एंट्रेंस पाने का सबसे बड़ा गेटवे है। माना कि इस बार थोड़े चैलेंजेस हैं, पर सक्सेस किसी का वेट नहीं करती। और हाँ, इस बार तो एंथे ऑनलाइन भी है, तो प्रॉब्लम सॉर्टेड। एंथे, सपनों से सक्सेस तक जाने का गेटवे। रजिस्टर नाउ। मैंने तो एनरोल कर लिया है, और आपने? पीछे वैसे तो हमारा ये अनौपचारिक मंत्रिमंडल की बैठक करने का एक लगातार नियम चलता रहा है। थोड़ा कोविड के कारण से इस बार हम थोड़ी देरी से बैठे, तो भी आज बैठे थे तो अनौपचारिक अनौपचारिक तौर पर बहुत से विषयों पर चर्चा हुई है। विशेष तौर पर जैसे आज का वातावरण चल रहा है, ये जो किसानों का जो आंदोलन खास करके दिल्ली में कुछ जगह पर किसान एकत्र होकर के और अपनी मांगों के बारे में जो लगातार बात कर रहे हैं, इसमें कई दौर बातचीत के केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के साथ उनके हो चुके हैं। और एक जिसको कहना चाहिए एक संतोष का विषय ये है कि उनकी मांगों में बहुत सी मांगों पर केंद्र सरकार ने मानने के संकेत दिए हैं। 5-6 डिमांड्स जो थी वो सब मानने के लिए केंद्र सरकार ने कहा है, और मैं समझता हूँ कि आज जैसे किसानों की बातचीत हो रही है, कुछ किसानों ने ज़रूर ये कहा कि हमको ये मंजूर नहीं है, लेकिन बहुत किसान ऐसे भी हैं जो इस मत के हैं कि इन बातों को स्वीकार करना चाहिए। और मेरी अपील भी है उन किसानों को कि ये जो विषय हैं उनकी जितनी शंकाएं थी उनको दूर करते हुए ये जो समाधान किया जा रहा है ये उचित समाधान है, और किसानों को अपना धरना जो समाप्त करना चाहिए। और सर्दी का मौसम है, कोरोना का काल है, इसलिए सबको जाकर के अपने अपने काम में लगना चाहिए, किसी को एक मैं कह सकता हूँ कि सफलता के रूप में आगे बढ़ना चाहिए। सीएम साहब, केंद्र सरकार ने 3 काले कानून बनाए, ये किसानों का कहना है और वो उनकी लगातार ये मांग है कि इनको खारिज किया जाए, लेकिन आप स्टेट गवर्नमेंट के नाते हालांकि विधानसभा का सेशन हो चुका है, आपकी तरफ से जवाब आ चुका है, लेकिन क्या आप सोचते हैं अभी भी कि कुछ स्टेट गवर्नमेंट भी अपने स्टेट के किसानों को किसी तरह से कोई लक्ष्य कर सकती है? देखिए, उनकी जो शंकाएं हैं वैसे तो निर्मूल हमने सिद्ध कर दी हैं। प्रोक्योरमेंट के नाते से हमारी प्रोक्योरमेंट जितनी हुई है बहुत स्मूथ और पीसफुल सारी प्रोक्योरमेंट हुई है, चाहे वो धान की प्रोक्योरमेंट 56-57 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया है, 7.5 लाख मीट्रिक टन बाजरा खरीदा गया है, और हम ऐसी ऐसी फसलें जो आसपास के प्रांतों में कहीं भी नहीं खरीदी जा रही हैं, चाहे वो मूँग है, मूँगफली है, ये मूँगफली पहली बार हरियाणा में उसकी प्रोक्योरमेंट हमने शुरू की है, और उससे पहले भी सूरजमुखी, सरसों, ये भी हम खरीदते रहे हैं, और हम आगे आने वाले समय में इन सब फसलों को MSP पर खरीदेंगे, ये हमने आश्वासन दिया है, करके भी दिखाया। और जहाँ तक मंडियों का विषय, मंडियाँ जितनी हमारी मंडियाँ पहले से चल रही हैं उन मंडियों पर भी हम बढ़ोतरी करेंगे, ये हमने आश्वासन दिया है। कोरोना के समय में तो हमने 1800 खरीद के केंद्र गेहूँ के लिए बनाए थे, तो ये सारे विषय पहले भी हम करते रहे हैं और आने वाले समय में भी किसानों की कोई कठिनाई नहीं आने देंगे, ये उनको विश्वास दिलाया है। किसानों की जो भी कठिनाइयाँ होंगी उसके ऊपर हम किसानों के ऊपर विचार करेंगे। आपने गठबंधन के सहयोगी है सर, वो कह रहे हैं कि मुकदमे जो किसानों के दर्ज हुए पिछले दिनों में जब उन्होंने दिल्ली कूच किया, वो मुकदमे वापस होने चाहिए, उस पर कोई सहमति बनी है सर? देखिए, वो बहुत सामान्य विषय है, कोई बड़े विषय नहीं है वो, और वो यानी एक छोटी मोटी कोई बात ऐसी हो भी जाती है तो वो सब बातों के ऊपर विचार किया जाएगा, सबको ठीक किया जाएगा। कोई किसान हमारे अपने भाई हैं, किसान हमारे अपने हैं, किसी और के नहीं हैं, तो जो अपने होते हैं उनके बारे में सब बातें ठीक हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। सर, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा पर सर डायमंड हार्बर वेस्ट बंगाल में हमला हुआ है, बहुत निंदनीय घटना है, और हम जैसा पश्चिम बंगाल का पिछले कई महीनों से जो कुछ देख रहे हैं, जो हिंसात्मक गतिविधियां खास करके राजनीतिक तौर पर जो सहनशीलता समाप्त हो रही है, ये डेमोक्रेसी में अच्छी बात नहीं होती है, इसलिए पश्चिम बंगाल के लोग निश्चित रूप से इसमें आगे आने वाले चुनाव के अंदर उनकी TMC पार्टी जो है, तृणमूल कांग्रेस पार्टी, और इस गुंडागर्दी का जो जवाब है निश्चित रूप से वहाँ की जनता देगी, ऐसा मेरा विश्वास है। सीएम साहब, आपकी पार्टी गठबंधन के साथ सत्ता में है, गठबंधन के कई विधायकों निर्दलीय, जो कई विधायक जिनका सरकार का समर्थन था वो कह रहे हैं कि सरकार बाद में है, हम पहले किसान हैं और किसानों के साथ हैं, अपना सीधा सीधा समर्थन किसानों को दे रहे हैं,
भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि सदन बुलाया जाए विधानसभा का और सरकार अविश्वास में आ चुकी है, अपना विश्वास साबित करे। देखिए जहाँ तक कांग्रेस की बात है, वो लोग तो बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, बाहर खड़े हुए हैं। और वो किस मुँह से वो चर्चा करेंगे, क्योंकि जो कुछ उनका व्यवहार रहा है वो सब जनता जानती है और सारे जगत जानता है कि ये सारे जो विषय थे ये उनके समय में ही खड़े हुए थे। और उनके विषय के जितने भी ये जो कानून के अंदर परिवर्तन किया जाए और एपीएमसी में भी कानून में बदलाव किए जाए, ये उनके नेता सारे कह चुके हैं। शरद पवार जब कृषि मंत्री थे उस समय भी ये सारी बातें उन्होंने कही। उपेंद्र हुड्डा, उन्होंने भी 2011 के अंदर ये सारी बातें कही। और वो जब स्वयं इस चीज़ के, इस कमेटी के प्रमुख थे, ये उस समय के सारे वीडियो, सारे प्रमाण आप लोगों के सामने हैं। आज वो किस मुँह से इसका विरोध करेंगे, ये एक विपक्ष में रह करके अपनी राजनीतिक रुपया सेकना, किसानों के कंधों पर बंदूक रख करके ये हमारे डिप्टी सीएम साथी खड़े हैं, अब इनसे आप बात कर सकते हैं। डिप्टी सीएम और हम कोई अलग नहीं है, हमारी गठबंधन की सरकार है, मजबूत सरकार है। और इस मजबूत सरकार के नाते से अभी तक जो हम काम किया है, आगे भी लगातार 4 वर्ष से है इसके अंदर गठबंधन मजबूती से चलाएगा सरकार, कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। एक विषय की जानकारी और आपको देनी है जिस पर आज हमने चर्चा की है, और वो है कि जैसे अभी पंचायतों के चुनाव का कार्यकाल 5 वर्ष का पूरा हो रहा है और निश्चित रूप से अब कार्यकाल की समाप्ति पर कभी भी जनवरी में ये चुनाव जो है संभावित है, वो चुनाव हम समय पर कराएंगे। ये भी आपके माध्यम से हम सारे समाज को, जनता को, हरियाणा की जनता को बताना चाहते हैं। मुख्यमंत्री, एक सवाल ये है कि अभी तक बहुत सारी बातें इस तरह की आ रही थी कि राजनीति से पूरी तरह से प्रेरित है ये आंदोलन, लेकिन अब हरियाणा की भी काफ़ी संख्या में खास पंचायत हैं, किसानों का समर्थन और वो वहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो क्या अब भी इसको कहा जा सकता है किसी भी लिहाज से कि कहीं ना कहीं इसमें राजनीति से प्रेरित है किसी राजनीति? निश्चित रूप से राजनीति से प्रेरित है। ये जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे वो हरियाणा के हैं चाहे पंजाब के लोग हैं, ये जो इस इन बिलों का समर्थन भी करते रहे हैं, इसमें अकाली दल भी समर्थन करता रहा है, कांग्रेस तो इन बिलों को पहले लेकर के ही आई है। देश भर में चाहे वो शरद पवार जी कृषि मंत्री थे, वो समर्थन करते रहे, तृणमूल ने समर्थन किया, राष्ट्रीय जनता दल ने समर्थन किया, समाजवादी पार्टी ने समर्थन किया, बहुजन समाज पार्टी ने किया, डीएमके ने किया, ये सब पार्टियां जो यूपीए में थी इन्होंने समर्थन किया था, हमारे साथ भी जो पार्टियां लगी हुई थी उन्होंने भी इसका समर्थन किया। किसी ने पार्टी के नाते कभी भी अपने अपने काल में कभी विरोध नहीं किया। आज अगर विरोध है तो केवल राजनीतिक तौर पर कि किसी प्रकार से नरेंद्र मोदी की सरकार को यानी कैसे दबाया जाए और कैसे विरोध में स्वर पैदा किया जाए, और इन सब विषयों में धीरे धीरे सारा पटाक्षेप होगा तो आप लोग को और पता चलेगा। हरियाणा का किसान, मैं पहले भी कहा है कि ये राजनीतिक नेताओं के अलावा बाकी लोग सब ठीक हैं, राजनीतिक नेता इसमें अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और कुछ औपचारिकताएं लोग निभाते हैं, अपनी निभा रहे हैं, लेकिन कुल मिला के हरियाणा किसान प्रसन्न है, खुश है।